नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की ये वीडियो जितने लड़के हाई स्कूल और इंटर 10वीं 12वीं 10th 12th का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को ऐसे ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगा जिसे इस्तेमाल करके आप पास हो सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो बहुत मिली होंगी पढ़ाई के उद्देश्य से, क्या आप लोगों जो देखे हैं जो पढ़े हैं वो तो सही है, पर अब पढ़ने का टाइम चला गया है, अब आपको एग्जाम हाल के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, क्या ऐसा करें कि आप पास हो जाएं, वो पूरा डिटेल ट्रिक और टिप्स के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसकी इम्पोर्टेंस वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। हर घर से तो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो CBSE का होने वाला हो या MP में हो या मतलब इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम है कहीं भी है हाई स्कूल इंटर वालों के लिए, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए बिल कंप्लीट आप लोगों को मिलेगा और आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो पास जरूर हो जाएंगे। दोस्तों ट्रिक एंड टिप्स जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, कल सुबह मॉर्निंग समय में 8:30 से हाई स्कूल 10th वालों का एग्जाम चालू है, हिंदी का पेपर है। ये सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के विषय में बताऊंगा एक ही वीडियो में। दोस्तों गौर से सुनिएगा और आप यही फॉलो करिएगा जो मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको अगर कुछ इधर उधर हो रहा है तो आप पास हो जाएंगे। अब ये नहीं कहने मतलब कि अगर आप लिखेंगे नहीं तो कैसे पास हो जाएंगे, लिखना तो पड़ेगा ना, और लिखने का तरीका कैसे है, नहीं आ रहा तो भी कैसे लिखेंगे, वो चीज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले आप एग्जाम सेंटर में अपने जैसे जा रहे हैं वहां जाइए, जाने के बाद अपना कलम प्रवेश पत्र दो चीज लेके जाइएगा, नकल उकल के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि चीटिंग गलत बात है, चीट करके अगर पास भी हो गए तो उसका कोई महत्व तो नहीं निकलेगा, सिर्फ मार्कशीट रखी रह जाएगी, शादी ब्याह के काम में आएगा, ओम छुफट स्वाहा में बस, और उसके अलावा कुछ काम में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप लोग जैसे एग्जाम सेंटर में जाएंगे, जैसे अंदर गए हैं अपना जाकर पहले वहां पे रूल नंबर देख लीजिएगा, 8:30 से पेपर है तो 8:30 मत जाइएगा, आधा घंटा पहले सेंटर में पहुंच जाइएगा, क्योंकि पहला पेपर है, दूसरे पेपर में अगर टाइम पर जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले जाकर के देख लीजिएगा कहाँ पे नोटिस लगी हुई है, कौन से रूम पे आपका उसमें लिखा होगा इतने रूल नंबर से इतने रूल नंबर तक फला कमरे में, इतना रूल नंबर से इतने रूल नंबर तक फला कमरे में, अपने कमरे में जाइए वहां पे पहुंचिए। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है तत्काल आपको उसका जो प्रोफार्मा आता है ऊपर का उसको पूरा कंप्लीट करना है, अपना रूल नंबर पंजीकरण संख्या जितना जो कुछ है, डेट प्रथम पाली में है, कौन से दिन का है, जितना ऊपर को मांग रहा है वाउचर आपको पूरा उसे भर लेना है, उसमें भरने में गलती मत करिएगा, अंदर थोड़ा छूट जाएगा चलेगा, ऊपर वाले में उसमें गलती मत करिएगा, मालूम चला कि सब बहुत अच्छे लिख के रूल नंबर नहीं लिखे तो क्या मतलब निकलेगा, पासे नहीं होंगे, तो उसको भर लेना जरूरी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, उसमें मना नहीं करेंगे कि इसके हम इसीलिए हम नहीं बताएंगे, इसको नहीं बताएंगे, वो क्वेश्चन के लिए नहीं बता सकते, पर अगर आप उसके विषय में पूछेंगे तो कि यहाँ सर जी क्या करना है, कैसे गोला करना है, क्या है, मार्कशीट टाइप में आता है ना उसमें 1, 2, 3, 4 करके रूल नंबर में, तो उसमें भी गोला मारना है, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2 में, 5 के सामने 5 में, ये सब करना है आपको। जैसे ये सब कंप्लीट करेंगे इतना तो आपको कन्फर्म हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, आपको पेपर मिला है, पेपर मिला है, अब आप इधर पहला प्रश्न खोजें नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, छोड़ो नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा आ रहा, हाँ प्रश्न नंबर 3 लिखना स्टार्ट कर दिए, दोस्तों लिखते चले जाइए, चौथा लिखते चले जाइए, पांचवा लिखते चले जाइए, छठवां लिखते चले जाइए, जैसे आप जो 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 आपको आ रहा है इधर उधर क्वेश्चन छूट रहे हैं तो नंबर डालते चले जाइए, अपना लिखते चले जाइए, उसमें बिल्कुल टाइम मत करिए, जब जितना आपको आ रहा है उसका तो आप बिल कंप्लीट तरीके से लिखेंगे, जितना आपको आ रहा है उसे अच्छे तरीके से बढ़िया स्केच से हेडिंग वेडिंग डाल करके लिखिएगा, उसमें कंजूसी मत करिएगा, और नहीं ये सोचिएगा कि हमें ये पहला नहीं आ रहा तो पहले नंबर 1 से करें फिर 2 से करेंगे फिर 3 का, ना आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 7वां क्वेश्चन आ रहा है तो प्रश्नोत्तर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्टिंग से करना, उसमें कोई बांध नहीं है कि आप सीरियल वाइज सीरियल करेंगे,
सात के बाद नौवां आ रहा नौवां करिए, छठवां आ रहा छठवां करिए। क्वेश्चन नंबर आपको डाल देना है सही से, गौर से सुनते जाइएगा, सही से इसमें क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, बस हो गया। उसके बाद जितना बढ़िया आएगा हेडिंग वेडिंग डाल करके लिखिएगा दोस्तों। अब रही बात, आप पेपर दे चुके हैं जितना आपको आ रहा था, अब बात फंसती है कहाँ पे, जहाँ पे नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करना है, उसमें दोस्तों क्या है कि जब बच्चों को पेपर मिलता है तो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि उनको जो है जब पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन उसमें आ रहा है, एक साल आप कॉलेज ज्वाइन किए हैं तो जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको आता नहीं है, आता है कन्फर्म नहीं आता है। अब कन्फर्म नहीं आता है तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, इधर उधर टेंशन में पड़ जाते हैं कि हमको कन्फर्मली इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, कैसे लिखें कैसे ना लिखें कैसे क्या करें, ये करते 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 टाइम चला जाता है, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता है, वो भगता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, और जो टाइम निकल गया है वो मिलने वाला नहीं, खासकर एग्जाम में। तो आपको जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, कभी समझाया गया है उस विषय में और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, वो क्या चीज मांग रहा है, जो समझाया गया है जिस हिसाब से समझाया गया है उसको आप उसी प्रारूप में बना करके लिखते जाइए। उसमें होता है पेपर जब आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इनके विषय में ये चीज लिखना है, तब उनके विषय में अगर आपको सटीक वो चीज नहीं मालूम है, अगर उनको बताया गया है कि राम क्या है, दशरथ के, अब आपको मालूम है कि राम दशरथ के लड़के तो हैं, अब दशरथ के कितने लड़के थे ये मालूम नहीं है, मान लिया आपको एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो राम तो दशरथ के लड़के थे तो आप उतने लेके चलिए, लक्ष्मण का नहीं याद है तो राम को मालूम है तो राम को लिखिए, ये नहीं कि अगर आपको उसमें राम लक्ष्मण दोनों मांग रहा है आप सिर्फ राम लक्ष्मण नहीं आ रहा, लक्ष्मण का आ रहा लक्ष्मण को लिख दीजिए, राम का आ रहा तो राम को लिख दीजिए, दोनों आ रहा तो उससे अच्छा क्या बात है उसमें। तो दोस्तों आप पेपर को लिखिए, उसमें जो मांग रहा प्रश्न को जैसे पढ़ाया गया कभी समझाया गया उसको बैठ के थोड़ा सुकून से उसको सोचिए, सोचने के बाद उसको लिखिए, लिखने में उसमें बिल्कुल कोताही मत बरतिएगा, एक भी क्वेश्चन याद करिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी लिखना है एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ऑनलाइन जो आजकल रील उल में दिखा देते हैं ना कि कुछ भी के मतलब कि गाना लिखाओ फिल्म की स्टोरी लिखाओ, तो तब वो मत करके आइएगा, क्वेश्चन के हिसाब से लिखिएगा। अगर मैं कहता हूं कि अगर आप अपने मन से रजिया बेगम कौन थी, अगर क्वेश्चन आ गया है तो आपको ये मालूम होगा कि रजिया बेगम कौन थी, अगर उनके माता उसके पिता का नाम नहीं मालूम, उसके माता का नहीं मालूम, कब पैदा हुई थी नहीं मालूम, तो मगर ये जरूर मालूम होगा आपको कि वो करती क्या थी, किस वंशज से थी, लड़ाकू से थी, किस राजवाले घर से थी, कि दासी थी, ये इतना तो पढ़ाया गया थी, तो कुछ ना कुछ दो चार शब्द माइंड में होगा ना, उसी को लेके चलिए आप, जो दो चार दस शब्द आपके माइंड में है उस विभाग को उसी को लेकर चलिए और उसी में टॉपिक बनाइए, उसी को जोड़ते जाइए, जो आपके जितना माइंड में है, यकीन करिए दोस्तों अगर आप अपने से लिखेंगे तो उसमें नंबर ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो एग्जामिनर भी होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि बच्चा ने कोशिश किया है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो बच्चे कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। हाँ, जो कोशिश ही नहीं करेंगे भाई, अगर कहीं कोई जंप लगी हुई है कूदने के लिए, 4 फीट लांघना है ना भैया, हम नहीं जाएंगे, तब तो आपकी हार पहले हो गई, और अगर कोशिश करेंगे नहीं कहा जा सकता, जंप लगा ही जाए तो जीत गए ना। तो ये मान लीजिए दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो आपको क्वेश्चन एक भी छोड़कर नहीं आना है, आपको टोटल जितने क्वेश्चन है सबको करके आना है, किसी को सही करके आना है तो किसी को गलत करके आना है। अब क्या सही करके आए हैं क्या गलत करके आए हैं वो आप पे निर्भर नहीं करता, वो जो कॉपी जांचने वाले एग्जामिनर जाएंगे वो निर्भर करते हैं। आपको लिखने से मतलब है, आपको गलत सही से मतलब नहीं है, आप पूरे क्वेश्चन करके आना है, और जो जो लोग पूरे क्वेश्चन करके आएंगे वो इसमें कमेंट जरूर करेंगे, या तो जो जो लोग पूरे क्वेश्चन करेंगे वीडियो देख करके कमेंट करेंगे और वो लिखेंगे कि मैं पूरा क्वेश्चन करूंगा। मैं कहता हूँ आए या ना आए कुछ भी आप लिख के आइएगा, गाना मत लिखिएगा, स्टोरी मत लिखिएगा किसी का, शिक्षा विभाग से वही सब्जेक्ट से, हिंदी से है तो हिंदी विभाग का
इतिहास है तो इतिहास विभाग का, उसी विभाग का लिख के आना है बच्चों आपको, ना कि इधर उधर की बदतमीजी करना है, क्योंकि कापियों में आजकल लड़के जो जानते हैं पास नहीं होने वाले बदतमीजी करते हैं, और इसलिए करते हैं कि वो होपलेस हो चुके हैं। बाकी आपको होपलेस नहीं होना है, आपको कापी पूरा लिखना है, किसी भी प्रकार के करके लिखेंगे, अगर आप पूरा क्वेश्चन करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।